जी बिल्कुल, अगर खूबसूरती की बात की जाए तो वादी चित्राल का नाम जुबान पर आ जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि वादी चित्राल भी खुदा का अता करता एक हसीन शाहकार है। चित्राल का एक खूबसूरत गांव चमरकंद सिंहों की तवज्जा का मरकज बना हुआ है। घने जंगलात और खूबसूरत नजारे दिल को लुभाते हैं। चित्राल शहर में जैसे ही दाखिल होते हैं एक लंबा मोड़ आता है और सड़क के दोनों जानब अनार के बागात नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये चित्राल का गांव चमरकंद है। इस गांव के ऊपर जगूर गोल की नहर से पानी की नदी लाई गई है जो बकराबाद से गुजरते हुए पहाड़ के दामन में से गुजरती है। ये नाला काफी ऊंचाई पर वाकया है और यहाँ से गुजरते हुए पूरे चमरकंद गांव का नजारा बासानी किया जा सकता है। इस नाले की अपनी एक खूबसूरती है, नीचे साफ पानी बहता है और दोनों तरफ मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगे हुए नजर आते हैं। पूरा इलाका ऊपर से यूं लग नजर आता है जैसे किसी ने यहाँ सब्ज कालीन बिछा दिया हो। चमरकंद गांव में बकराबाद के पहाड़ी के दामन में खड़े होकर यहाँ का मशहूर मोड़ बहुत अच्छा लगता है। गाड़ियां दूर से चढ़ाई पर आती हैं और लंबे मोड़ से गुजरकर दोबारा उसी सिमत से गुजरती हैं। ऊपर से यूं लगता है कि जैसे कोई खिलौना रेलगाड़ी चल रही हो। सबसे अहम बात यह है कि इस जगह से दरिया चित्राल का भी नजारा किया जा सकता है और चमरकंद के पहाड़ियों की चोटियों पर पड़ी सफेद बर्फ सियाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। चमरकंद गांव खूबसूरती के साथ साथ मीठे अनार के लिए भी मशहूर है। इन दिनों अनार के बागात भी हरे भरे नजर आते हैं जो कि अनार का फल दरख्त में लगे होने की वजह से खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। चमरकंद के ऊपर बकराबाद के दामन में एक बड़ा मैदान भी वाक्य है जो कि बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि अगर यहाँ सियाहों के लिए पिकनिक पार्क बन जाए तो सियाह भी आकर क्याम करेंगे और इस इलाके की मैशियत पर मजबूत असरात पड़ने के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा।